सिंगरौली में मानवता शर्मसार, बीमार परिजन को 3 किलोमीटर दूर ठेले पर अस्पताल ले गया 6 साल का मासूम। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश कीर्ति के साथ। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिंगरौली जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। 11 सेकंड के इस वीडियो में एक 6 साल का बच्चा अपनी मां के साथ ठेला ढकेलते हुए दिखाई दे रहा है। वह मासूम तेज कदमों से अपने बीमार परिजन को अस्पताल ले जा रहा है। दरअसल सिंगरौली के बलियरी इलाके में एक बुजुर्ग की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद युवक की बहू ने 108 एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन लगाया, लेकिन काफी देर तक इंतजार के बाद जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो महिला अपने ससुर को ठेले पर लिटाकर अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। इस दौरान करीब 3 किलोमीटर के रास्ते में जब वह ठेला धकेलते हुए थक जाती है तो उसका 6 साल का मासूम बेटा ठेला धकेलने लगता है। यह है मामला। मामला थाना कोतवाली कस्बे का है। बताया जा रहा है कि जहां गलियरी इलाके में रहने वाले दीनदयाल शाह उम्र 65 वर्ष की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद उसकी बहू ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ऐसे में महिला ने अपने 6 वर्षीय बेटे के साथ ससुर को ठेले पर 3 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पैसे के अभाव और तकलीफ को बढ़ती देखकर महिला ने अपने बेटे के साथ खुद ही हाथ ठेले पर लिटाकर अस्पताल की ओर चल पड़ी। वे 3 किलोमीटर चलकर पैदल गए। एम्बुलेंस की मांग नहीं की गई थी। कलेक्टर सोशल मीडिया में नाबालिग लड़के द्वारा एक बीमार व्यक्ति का इलाज कराने के लिए हाथ ठेले से जिला अस्पताल ले जाने की खबर की जांच में पाया गया है कि पीड़ित का घर 500 मीटर की दूरी पर होने के कारण एम्बुलेंस की मांग की ही नहीं गई थी। परिजन तत्काल उपचार के लिए हाथ ठेले से जिला अस्पताल लेकर चले गए। परिजन द्वारा 108 एम्बुलेंस की मांग नहीं की गई थी। 108 एम्बुलेंस कॉल डिटेल के बारे में जानकारी ली गई है। उसमें मैनेजर ने बताया कि उस मरीज द्वारा 108 की मांग नहीं की गई थी। जानकारी प्राप्त हुई है कि एम्बुलेंस प्राप्त न होने के कारण एक छोटा सा बच्चा और उसकी माँ बीमार व्यक्ति को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया है। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई, इसके लिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन को जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। किन परिस्थितियों में ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही करेंगे।